इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये गली पुरानी दिल्ली के उस सुनहरे काल की याद दिलाती है, जब ये शाहजहानाबाद के नाम से मुगल सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। एक जमाने में चांदनी चौक के नाम से मशहूर इस इलाके में आपको दुनिया भर से आए व्यापारी, विलासिता जिसकी कभी कल्पना न की गई हो, और कावे की दुकानों में शायरों की महफिल दिखाई देते होंगे। इसका एक पहलू और है। मुगल दरबार की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक शाहजहां की बेटी जहानारा। सन 1648 में लाल किले के निर्माण के बाद मुगल बादशाह ने अपने तख्त को आगरा से दिल्ली तक लाने का फैसला किया। लाल किले से एक नए शहर की रचना की गई, जिसमें पहले 14 दरवाजे थे, जिनमें से अब सिर्फ 5 रह गए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक मौजूद था। इस गली में दुकानों की चकाचौंध रहती थी और उसके मध्य में एक छोटा जलाशय था, जहां पर चांदनी रात के दौरान चांद की रोशनी पड़ती थी और एक चांदी जैसे परछाई पड़ती थी, जिसके कारण इस इलाके का नाम चांदनी चौक पड़ा। चांदनी चौक के मध्य में पड़ती थी ये कारवां सराय। जहानारा द्वारा बनवाए गए ये सराय चांदनी चौक गली के पूर्वी दिशा पर पड़ती थी, जिसके पीछे एक हरा भरा बाग हुआ करता था। मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से गिने जाने वाली कारवां सराय में कई यात्री, व्यापारी आदि लोग ठहरा करते थे। इस जगह की सबसे खास बात थी यहाँ पर मौजूद बेगम का बाग, जो पत्थर की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। त्योहारों के लिए मशहूर लोग ठंडे वातावरण में आराम फरमाने बेगम के बाग में शरीक हुआ करते थे। सराय के साथ साथ जहानारा ने 3 मुख्य बाजारों की भी रूपरेखा तैयार की, फतेहपुरी बाजार, जौहरी बाजार और उर्दू बाजार, जो मसाले, जेवरात, अशरफियों, उर्दू सुलेखन और साहित्य में मशहूर थे। शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी जहानारा बेगम मुगल दरबार की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। 1614 में जन्मी जहानारा उन औरतों में से थीं जिन्होंने मुगल जनाने की दीवारों को तोड़कर शायरी, कला, वास्तुकला और यहाँ तक कि अभियांत्रिका में भी अपनी निपुणता दिखाई। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद जहानारा को 17 वर्ष की उम्र में ही बेगम साहिबा के खिताब से नवाजा गया। वक्त के साथ साथ दरबार में उनकी महत्व बढ़ती गई, जहां गांवों और बागों की जिम्मेदारी के साथ उनको पानीपत का परगना और यहां तक मुगल सल्तनत के बंदरगाह सूरत का जिम्मा भी सौंपा गया। 1681 में 67 की उम्र में जहानारा के गुजर जाने के बाद चांदनी चौक और सराय की जिम्मेदारी अब औरंगजेब के अफसरों के कंधों पर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सराय के आसपास कई लोगों ने अपनी दुकानें और हवेलियां बनाई। साथ ही साथ कई समुदायों ने अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण भी किया, जिनमें प्रमुख गुरुद्वारा शीशगंज और सुनहरी मस्जिद है, जिसके सोने के गुंबदों के ऊपर चढ़कर नादर शाह ने दिल्ली के नरसंहार का आदेश दिया था। 18वीं शताब्दी के अंत में जब मुगल सल्तनत अपने आखिरी दौर पर थी, तब उत्तर में उदय हो रहे प्रमुख ताकतें सिखों और मराठों ने दिल्ली पर कब्जा करके यहाँ के व्यावसायिक गतिविधियों से कर लगान वसूला करते थे। 1806 में बेगम का बाग का एक हिस्सा मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने बेगम समरूह को रोहिला विद्रोहियों के खिलाफ जंग में लड़ने में दी गई सहायता के लिए तोहफे में दे दिया, जिस पर उन्होंने एक महल बनवाया, जिसको आज हम भागीरथ पैलेस के नाम से जानते हैं, और ये फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा बना। सराय के सुनहरे दिनों ने 1857 के गदर के दौरान आखिरी सांसें ली। जब हिंदुस्तानी सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तब यहाँ जान माल को भी बहुत नुकसान पहुंचा। 1858 में दिल्ली को वापस कब्जा करने की फिराक में अंग्रेजों ने इस सराय को ध्वस्त किया, जिस पर उन्होंने 1863 में टाउन हॉल बनाया और उसके 7 साल बाद एक घंटाघर भी बनाया, जिसको भारत का पहला अंग्रेजी घंटाघर भी कहा जाता है। 1950 में इस घंटाघर का ऊपरी हिस्सा ढह गया और टाउन हॉल आगे चलकर दिल्ली सरकार का म्युनिसिपल हॉल बना।
जहां पर बाग हुआ करता था, वहां आज बाजारों ने और एक छोटे बाग ने अपनी जगह बनाई, जो दिल्ली मेट्रो के चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन से घिरा हुआ है। भले आज ये सराय मौजूद न हो, मगर जहानारा की दास्तां चांदनी चौक की इन गलियों में आज भी जिंदा है।